जय हिंद बाल साथियों, आपको पता है कि हम लोग जिस विषय पे वीडियो बना रहे हैं, इसका नाम है कि पिछड़े क्षेत्र के पिछड़े अच्छे छात्र पिछड़े ही क्यों रह जाते हैं। आखिर उनके अंदर कौन सी कमियां होती है कि अच्छे छात्र होने के बावजूद वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर यदि कोई शहर, आगे बढ़ा हुआ शहर है, विकासशील या विकसित शहर है, उसके विद्यार्थी अवसर विद्यार्थी भी अच्छा कर जाते हैं, तो वे विद्यार्थी कौन सा अच्छा काम करते हैं और हम लोग अनजाने में ही कौन सा काम नहीं कर पाते हैं जिसके वजह से हम लोग पिछड़े रह जाते हैं। तो ये हमारा उसका तीसरा पार्ट है, दो पार्ट बन चुका है। पहले पार्ट में ए से लेकर जी तक का वर्णन था, दूसरे में एस से लेकर एम का वर्णन है। और हर पार्ट में बीच में या कहीं ना कहीं हम लोग किसी स्थान पर बुद्धि बढ़ाने की, स्मरण शक्ति तेज करने की, यादाश्त बढ़ाने की दवा के बारे में कुछ चर्चा करते जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरे ध्यान के साथ देखिए ताकि इसका कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना करे। तो हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट की तरफ चलते इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग अपने ब्रेन की धार को तेज करना सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग हाउ टू शार्पन आवर ब्रेन। ब्रेन की धार को कैसे तेज किया जाए, कैसे कुल्हाड़ी को रगड़ा जाए ताकि कुल्हाड़ी अच्छा काम कर सके। और ब्रेन इज जस्ट लाइक ए टूल। हमारा दिमाग भी एक टूल के समान, एक औजार के समान है। अगर इसको धार करेंगे तो ये ज़्यादा तेज होगा। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि एच से वो हैंड राइटिंग कैसे सुधारा जाए, उस पर चर्चा हो चुकी है। हमने गोल सेटिंग के बारे में सीखा, इजी टाइम टेबल के बारे में जाना, एक विद्यार्थी को आर्टिस्ट होना चाहिए, आर्टिस्ट होने से क्या फ़ायदे हैं, अब लोग सब कुछ जान चुके हैं। अगर यदि आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, आप दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 91 99 81 0 2 पर व्हाट्सएप करें। उस पर आप जय हिंद लिखें, आपको सारे वीडियोस के लिंक दे दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के विषय की शुरुआत एक कहानी के साथ। बच्चे क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कहीं से भी VVI प्रश्न मिल जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए, ऐसे प्रश्न मिले जिनको कि वो तैयारी करके परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकें। तो कल्पना कीजिए कि एक मेडिकल का विद्यार्थी है, उसको कहीं से पता चल जाता है कि परीक्षा में सिर्फ 5 रोग के ही बारे में पूछे जाएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे वह 5 रोगों से संबंधित होंगे। वह छात्र उन 5 रोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लेता है, परीक्षा में शामिल होता है, टॉप कर जाता है, कालांतर में वह एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, विचार कीजिए कि क्या वह एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, शायद नहीं। वही एक विद्यार्थी जो संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करता है, पूरे किताब की तैयारी करता है, और ये सब करने के बाद वह परीक्षा में शामिल होता है, संभवतः अत्यधिक कंटेंट होने के कारण उसके नंबर ही परीक्षा में कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन जब वह डॉक्टर बनेगा तो वह कैसा डॉक्टर बनेगा, आप स्वयं विचारवान हैं, आप समझ जाइए। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि हम लोग VVI प्रश्न की तरफ न भागकर हम लोग संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करें। अगर यदि सिलेबस की तैयारी हो जाएगी तो प्रश्न चाहे कैसा भी हो, कहीं से आए, कुछ भी आए, तो हमें आंसर देने में कठिनाई। पिछले वीडियो में हम लोग माइंड मैप बनाना सीख चुके हैं, ध्यान करना, मेडिटेशन करना सीख चुके हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक बार फिर से माइंड मैप की एक छोटी सी टेक्निक सिखा दूं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न है कि तुर्क वंश के शासकों के नाम लिखिए, तुर्क वंश के शासकों के नाम लिखिए। तो इनके शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, ठीक है। तो अब तो हमने सुन लिया, ये नाम भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, जल्दी याद नहीं रहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। कैसे याद रखेंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से आप एक कुतुब मीनार बना लीजिए, अपने मन ही मन में कुतुब मीनार बना लीजिए, ये वाला कुतुब मीनार नहीं है, आपके मन वाला। फिर हमारी इल्तुतमिश में कहीं आपको किशमिश सुनाई दे रहा है, हाँ तो बिल्कुल। तो ये जो कुतुब मीनार है, किशमिश का बना हुआ कुतुब मीनार है, ठीक है। रजिया यानी कि राजा ने, बलबन यानी बनवाया, यानी कि कुतुब मीनार किशमिश का राजा ने बनवाया। तो अब हमने ऐसा लिख लिया, एक छोटी सी ड्राइंग भी कर लेते हैं एक, और इस ड्राइंग के माध्यम से हमें याद हो जाएगा कि कुतुब मीनार
किशमिश का राजा ने बनवाया, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। तो ऐसे ऐसे अगर एक तरीके से आप याद करेंगे तो आपको पढ़ाई पढ़ना आसान खेल बन जाएगा और याद भी ज़्यादा समय तक रहेगा। इसके बाद बारी आती है एन की। एम का हमारा पार्ट पूरा हो गया, अब बारी आती है एन की। तो एन के लिए समझे सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में। हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है, या इससे भी ज़्यादा है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स की संख्या 10,000 करोड़ है और एक न्यूरॉन का कनेक्शन 10,000 न्यूरॉन्स से है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जब हमारे ब्रेन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन का कनेक्शन 10,000 न्यूरॉन्स से है, इसका तात्पर्य है कि किसी भी काम करने की विधि हमारे पास 10,000 करोड़ गुना 10,000 है। क्या ये क्षमता कम है? ईश्वर ने हमें ये क्या कम क्षमता दी है? हम जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे हमारी क्षमता बढ़ती चली जाती है। जितनी क्षमता उतना तो हम कभी काम कर ही नहीं पाते। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक जंगली कुत्ते, एक पालतू कुत्ते। पालतू कुत्ते को कितने बढ़िया से रखा जाता है आपको पता है। सोफा पे रहते हैं, महंगे बिस्कुट खाते हैं, एक दिन का खर्च उनका 400-500 रुपये मिनिमम जाता है। एसी रूम में रहना है, कार में बैठना है, उतनी फैसिलिटी तो शायद मानव को नहीं मिलती है, लेकिन वो कुत्ते को मिलती है। वही एक जंगली कुत्ता, इसे कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो आप बताइए कि अगर एक ही नस्ल का कुत्ता है, एक जंगल में रहता है और एक घर में रहता है, ऐसो आराम से रहता है, तो किसकी लाइफ ज़्यादा होगी? शायद आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। जो जंगली कुत्ता है उसकी उम्र ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा समय तक जीता है बनिस्पत जो पालतू कुत्ता है। क्यों? क्योंकि जंगली कुत्ता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, भूख के लिए, ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए संघर्ष करता है, दौड़ता है, धूपता है, भागता है, छिपता है, बहुत सारा प्रयास करता है। वही जो घर में कुत्ता रहता है, जो ऐशो आराम से रहता है, एसी में रहता है, वो कुत्ता को तो कुछ काम करना नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स मरने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। और ब्रेन के न्यूरॉन्स के डेड होने से कुत्ते की उम्र कम हो जाती है। तो जितना ज़्यादा न्यूरॉन्स को आप एक्सरसाइज कराएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए बहुत सारे गेम्स आते हैं, जैसे चेस हो गया, शतरंज हो गया, इस प्रकार के जो भी गेम्स आते हैं, पजल गेम्स आते हैं, सुडोकू होता है। तो ये सब आप गेम्स को खेलेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। हर काम में दिमाग लगाइए, सोचिए, समझाइए, अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके बाद अब बारी आती है न्यूज़पेपर। एन से पहले हो गया न्यूरॉन्स, अब बारी आती है न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर को तो पढ़ना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, अत्यावश्यक है, क्योंकि न्यूज़पेपर की अगर ढंग से तैयारी हो जाए तो परीक्षा की तैयारी आसान हो जाती है, कॉम्पिटिशन की तैयारी आसान हो जाती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने में कभी कभी 2 घंटे का भी समय लग जाता है। 2 घंटे के बाद विद्यार्थी से पूछा जाता है कि आपने क्या पढ़ा, तो उनका आंसर आता है कुछ नहीं। फिर 2 घंटे से आपने क्यों फिर किया क्या? अब हम लोग उसको पढ़ने के तरीके के बारे में जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, फिर राष्ट्रीय न्यूज़, खेल न्यूज़, राजनीतिक जगत की न्यूज़ और संपादकीय को तो आपको अवश्य ही पढ़ना है, ठीक है? तो छाँट लिया, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, जैसे कि छोटे मोटे समाचार, छोटे मोटे नहीं, जिनके ऊपर बीती है उनके लिए तो बड़ी बात ही है, लेकिन आपके परीक्षा के व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो गटर में गिर गया, तो इधर गिर गया, उधर भाग गया, इस तरह के आलतू फालतू न्यूज़ को आप छाँट दीजिए, अपने परीक्षा संबंधित न्यूज़ को पढ़िए। तो पहले छट गया, कोई विशेष अंक दिया है तो उसको पढ़िए, लेकिन अन्यथा जो परीक्षा में आने वाले नहीं हैं उनको आप पहले से छाँटते चले जाइए, पहला काम। दूसरा काम क्या कीजिए कि पेपर्स को अपने दोस्तों में बांट दीजिए। एक पेपर एक दोस्त को, दूसरा पेपर दूसरे, यानी एक पेज वाइज दोस्तों में बांट दीजिए। सभी पेन पेंसिल लेकर बैठिए, कोई रेड कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के पेन को लेकर बैठिए और जो भी महत्वपूर्ण भाग आए उसको आप लोग अंडरलाइन करते चले जाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि हर न्यूज़ छन कर आपके सामने आ जाएगा और जो जो महत्वपूर्ण बातें हुई उसको आप लिख लीजिए, इससे आपका पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर जिसने जो जो पढ़ा है वह एक दूसरे को समझा दे, ऐसे कम समय में बहुत अधिक जानकारी आपको हो जाएगी, ठीक है? अब बारी आती है हमारे एन के बाद ओ से। ओ से पॉइंट बना है ओपन माइंडेड, यानी कि एक छात्र को खुले दिमाग का होना चाहिए। खुले दिमाग होने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ को आप उसको कई एंगल से देख सकिए, कई डायमेंशन से देख सकिए।
अगर यदि हम किसी एंगल, किसी भी विषय वस्तु को कई डायमेंशन से देख पाते हैं तो हमको उससे रिलेट करने में अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए कि 1789 की क्रांति की बात अगर हम लोग पढ़ें और उसमें और देश के भी बारे में सोचें तो पता चलेगा कि जिस देश में 1789 में अगर अमेरिका में कुछ हो रहा था तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा था। तो इस प्रकार हम लोग रिलेट करके समझ पाएंगे। तो उसको ओपन माइंडेड का होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ना चाहिए। अब बारी आती है पिक्टोरियल डायग्राम की। ओ के बाद पी, तो पी से हो गया पिक्टोरियल डायग्राम की। पिक्टोरियल डायग्राम जो भी पढ़िए उसको एक पिक्चर के फॉर्म में बनाइए। ऐसा करने से आपको माइंड में रिटेन करना आसान हो जाएगा, आप आसानी से याद कर पाएंगे। और पी के बाद बारी आ गई पीक टाइम, यानी कि पी का अगला पॉइंट है पीक टाइम। पीक मतलब होती चोटी। पीक टाइम का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हर एक विद्यार्थी का कोई ना कोई पीक टाइम रहता है, यानी कि ऐसा टाइम जिस टाइम में अगर यदि वो अध्ययन करे तो उसका अध्ययन बहुत ही अच्छा होता है और वो बातें कम समय में ज़्यादा अध्ययन भी कर लेता है और वो बातें उसको याद भी रह जाती है। हर विद्यार्थी का कुछ ना कुछ अलग अलग पीक टाइम होता है। कुछ विद्यार्थी का पीक टाइम रात को 11 बजे होता है, किसी का पीक टाइम सुबह के 4 बजे होता है, किसी का पीक टाइम दिन के 3 बजे होता है। तो आपको अपना पीक टाइम ढूंढना है कि कौन सा ऐसा आपका पीक टाइम है जिस टाइम में आप पढ़ते हैं तो आपको कम समय में आप ज़्यादा पढ़ जाते हैं और ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। ढूंढते ढूंढते आप, मुझे यकीन है कि आप उसको ढूंढ ही लेंगे। और अपने पीक टाइम को कभी मिस नहीं करना है, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ आपको आपका पीक टाइम पे तैयारी करनी है। अब बारी आती है क्यू की। क्यू का मतलब होता है क्विज, क्यू से क्विज। तो क्विज में क्या करना है? आपको प्रश्न उत्तर करना है। जितना ज़्यादा प्रश्न उत्तर करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने कंटेंट से खेलने का अवसर मिलेगा, उसके ऊपर सोचने का, विचार करने का, मंथन करने का अवसर मिलेगा। तो क्विज को तो छोड़ना है, क्विज का खूब अभ्यास करना है। इसके बाद क्यों से बारी आती है क्वेश्चनिंग आर्ट की, यानी कि प्रश्न पूछने की कला की। जैसे कहते हैं ना कि पेपर राइटिंग में हमने बताया था पिछले बार कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, तो जैसे सब्जी में हम लोग 5 मसाला डालते हैं ना, जीरा, धनिया, हल्दी, गोलमरीच या काली मिर्च, सब कुछ डालते हैं। इसी प्रकार प्रश्न में भी कम से कम 5 प्रश्न, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुम, ये सब की जानकारी, व्हेन, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। और अगर ये जैसे हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो पहले सोच लीजिए कि इसमें हम क्या सीखेंगे, लास्ट में पढ़िए कि हमने क्या सीखा। कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले सोच ली कि ये किस प्रश्न से हमारा रिलेटेड है। अगर यदि हम प्रश्न को जानेंगे तो हमको पढ़ने का एक लक्ष्य प्राप्त होगा कि इसको पढ़कर हमें ये इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करने से हमारी पढ़ाई करने का एक आसान सा स्रोत उत्पन्न होगा। अच्छा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये भी करना है, जब आप तैयारी कर रहे हों तो पिछले साल के आए हुए सारे प्रश्नों को आप पढ़ जाइए, बना जाइए, उसकी तैयारी कर जाइए। आप उसको लिखने का अभ्यास करिए। पिछले साल जो भी प्रश्न आए हैं उनको बार बार लिखने का अभ्यास करिए, क्योंकि पिछले साल जो आए हुए प्रश्न होते हैं प्रायः इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और प्रश्न घूम फिर कर रिपीट होते हैं। इसलिए पिछले प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, तो इससे आपको अपनी गहराई का ये पता चलेगा कि आप कितनी गहराई में हैं। तो पिछले साल के प्रश्नों का भी, प्रीवियस पेपर्स का भी आप अभ्यास कीजिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी बुक को ना पढ़कर सिर्फ गाइड को पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी को रामायण के सिर्फ प्रश्न उत्तर कराए जा रहे हैं एक साल तक, और एक विद्यार्थी को पूरी रामायण एक साल तक पढ़ाई जा रही है। तो आप बताइए कि जिसको सिर्फ प्रश्न उत्तर कराया गया, राम के पिता का नाम क्या था, उनकी माँ का नाम क्या था, कितने भाई थे, कहाँ गए, क्या किया, कैसे कैसे किया, बाली कौन था, सुग्रीव कौन था, हनुमान कौन था, एक तो ये अध्ययन कर रहा है, ये याद कर रहा है, सीख रहा है, और एक विद्यार्थी वहीं पूरे रामायण का अध्ययन कर रहा है। तो आप बताएं कि किसका कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा और कौन विद्यार्थी अच्छा रिजल्ट करेगा। तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन पर ही नहीं जाएं, बल्कि संपूर्ण सिलेबस की विषय की तैयारी करें, और अगर क्वेश्चन पे जाना है तो उसको लिखने का भी अभ्यास करें, प्रश्न पूछे जरूर, प्रीवियस क्वेश्चन की तैयारी करें, तभी आप कम समय में बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। अब बारी आती है आर। पी ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। आर से का तात्पर्य है रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है दोहराना। अगर यदि हम दोहराएंगे नहीं तो बातें हमारी दिमाग से विस्मित हो जाएगी, इसलिए चीज़ों को दोहराना जरूरी है। अगर आज पढ़ने में हमको 1 घंटा लगा है, कल दोहराएंगे तो आधा घंटा लगेगा, परसों दोहराएंगे तो 15 मिनट लगेगा, फिर अगले दिन दोहराएंगे तो ये दोहराने का जो ड्यूरेशन है, ये समय, ये कम होने लगे, कम होते होते एक समय ऐसा आएगा फटाफट पेज उलटाएंगे सारी बातें आपके माइंड में आती चली जाएगी। लेकिन नहीं दोहराएंगे तो क्या होगा, हम भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे तो क्या होगा, फिर दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उतना ही मेहनत हो जाएगा, उस समय का पढ़ाई, उस समय का वो समय बर्बाद, उस समय का ट्यूशन बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो अब चाहेंगे कि दोहराए नहीं। दोहराने के संबंध में भी कुछ रूल्स हैं, आप समझिए
कि जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में 24 घंटे तक रहती है, फिर जब दोहरा लेते हैं तो फिर वह 3 दिन के लिए हो जाती है, जब तीसरी बार दोहराते हैं तो वो बातें हमारे माइंड में 7 दिन के लिए आ जाती है, जब हम फिर दोहराते हैं तब वो बातें हमारे माइंड में 15 दिन के लिए, फिर 1 महीना, फिर 3 महीना के लिए हमारे माइंड में आ जाती है। तो हमको चाहिए कि हम किसी चीज़ को रिवाइज करें और उसका प्रैक्टिस करें। अगर यदि आप चाहते हैं कि मैं रिवाइज नहीं करूं, तो आपके लिए, तो आपको उसके लिए हमारे सर राजीव भटनागर सर से मिलना पड़ेगा। उनके पढ़ाने की तकनीक कुछ ऐसी है कि आप बिना दोहराए भी आप उसको एक बार में तैयार कर सकते हैं। अगर यदि आपको उनसे मिलना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 91-99-89-71-02 पर संपर्क करें, आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा। तत्पश्चात अब बारी आती है आर की, तो आर में हम लोग सीखेंगे रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया? आराम। किसको आराम देना है? अपने ब्रेन को आराम देना है। क्या आराम का मतलब क्या हुआ? विद्यार्थी कौन से भारी काम करते हैं? रेस्ट का मतलब समझिए, जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह को उठते हैं, हमारा माइंड कभी कभी फ्रेश नहीं होता है। क्या मतलब हो गया? कि हमने अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं दिया, हमारा ब्रेन कभी भी रेस्ट में नहीं था। अगर यदि ब्रेन को रेस्ट मिल जाता तो सुबह में हम फ्रेश उठते, लेकिन हम फ्रेश तो उठ नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला है। तो इसके लिए क्या करना होगा समझते हैं, एक कहानी सुनते हैं। एक आदमी था, उसको कोई कमी नहीं थी, वह बिल्कुल प्रसन्न रहता था, क्षमा कीजिए, वह लेकिन फिर भी दुखी रहता था। क्यों दुखी रहता था? क्योंकि उसकी पत्नी कभी पूजा नहीं करती थी। तो एक बार की बात है, उस गांव में एक महात्मा आए, महात्मा के पास जाकर रोने लगा। महात्मा ने कहा, क्या हुआ तुम्हें, किस चीज़ की कमी है? तो बाबा, मुझे कमी तो कुछ नहीं है, मुझे दुख इसी बात की है कि मेरी पत्नी की पूजा नहीं करती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम उसको मेरे आश्रम में ले आओ। बाबा, आश्रम में तो कभी आएगी नहीं, तो आश्रम में नहीं आएगी तो आप ही बाबा आइए। मैं कब आऊँ? तो शाम के आइए, शाम में तो हमारा टाइम होता है प्रचन का, इसमें हम कैसे जा सकते हैं? नहीं बाबा, आपको तो आना ही पड़ेगा। बाबा कहे, ठीक है मैं आता हूँ। वो शाम के टाइम में पूजा कर रहा था, उसकी पत्नी बाहर झाड़ू दे रही थी। बाबा आकर उनसे पूछते हैं, बाबा का महात्मा, जो सच्चे महात्मा होते हैं उनके बात करने का तरीका भी कुछ अलग होता है। वो पूछते हैं कि कहाँ गए, और उसमें पूजा कर रहा होता है, वो ज़ोर ज़ोर से पूजा करने लगता है। अब ज़ोर ज़ोर से पूजा करने लगता है तो वो पूछते हैं कि बताओ बेटी कहाँ गए तुम्हारे पति, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? तो कहते, बाबा वो बाज़ार गए हैं, जूता खरीदने गए हैं। वो बाज़ार गए हैं, जूता खरीदने गए हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर काम कर रही होती है, झाड़ू दे रही होती है, तो वो संत पूछते हैं कि वो महात्मा कि आपके पति कब आएंगे? तो वो बोलते हैं कि पता नहीं बाबा, कितना समय लगेगा उनको जूता खरीद कर आने में। अब इस व्यक्ति को गुस्सा आता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसको पढ़ना शुरू करता है। बाबा उसकी आवाज़ को सुन रहे होते हैं। तिवारा फिर पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कहाँ वो गए हैं खरीदने, जूता खरीदने। तो बोलते हैं कि बाबा अभी वो मोल मुलाई कर रहे हैं। उसके पति को और गुस्सा आ जाता है, वह और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पढ़ने लगता है। तो इसकी पत्नी बोलती है कि बाबा अभी इनको मॉडल पसंद नहीं हो रहा है। अब उसके पति अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता है, वो पुस्तक को बंद करता है, दौड़ते हुए भागते हुए चला आता है। कहता है कि मैं जूता खरीदने गया था, मैं मुलाई कर रहा था, मैं मॉडल पसंद कर रहा था। तो वो घूमकर पूछती है कि हाँ, आप जूता खरीदने ही गए थे, आप मॉडल ही पसंद कर रहे थे, आप मोल मुलाई ही कर रहे थे, क्या मैं गलत हूँ? उसका पति शांत हो जाता है, क्या सचमुच में आप पूजा कर रहे थे? उसका पति कहता है कि हाँ, तुम सच कहती हो, मैं पूजा नहीं कर रहा था, मैं जूता ही खरीद रहा था। परंतु तुम्हें ये कैसे पता? उसने कहा, हर समय तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जूता लेना, तो आप क्या खाक पूजा करेंगे? आप तो यही कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, सोने के बाद भी हमको जब उठते हैं तो हमारा चिंतन उसी की ओर होता है। रात में जो चीज़ आप सोच कर सोएंगे, सुबह भी आपको उठेंगे तो आपके मन में भी वही ख्याल चलेंगे। रात को जो फिल्म, जो मूवी, जो सीरियल देखकर सोएंगे, सुबह भी आपके माइंड में वही चलेंगे। तो इस प्रकार ब्रेन को रेस्ट मिल नहीं पाता है। तो हमें चाहिए कि हमें बाहरी की बेकार की चीज़ों से कट कर शांतिपूर्वक रहें, टीवी, वीडियो, सिनेमा, इन सब चीज़ों से दूर रहें, ताकि हमारे ब्रेन को भली भांति रेस्ट मिल पाए।
ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बारी आती है रीडिंग की। रीडिंग कैसे करें, तो रीडिंग हम करें जो चीज़ अननेसेसरी है उनको तेज़ी से पढ़ने का अभ्यास करें। जब तेज़ी से हम पढ़ेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी पढ़ने की गति तेज़ हो जाएगी। पहले बार में तो कोई पूरी पुस्तक को तो समझ सकता नहीं है, और हम लोग सोचते हैं कि हम पढ़कर उसको याद ही रख लें, याद रखना तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसा करें, हम लोग फास्ट रीडिंग करें, क्योंकि हम लोग पहली बार में बैकग्राउंड ही समझते हैं। दोबारा पढ़े, तिबारा चार बार पढ़ेंगे तो इस प्रकार हमारा वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोग किसी भी चीज़ को तीन बार चार बार पांच बार अध्ययन करें। और रही बात दवाई की, तो एक आयुर्वेदिक दवाई है, डाबर का कंपनी का मिल जाएगा आपको, बैद्यनाथ कंपनी का मिल जाएगा, और इसका नाम है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी एक ऐसी दवा है जिसको पीने से ब्रेन को रेस्ट मिलता है, नींद अच्छी आती है और याददाश्त सुधरती है। इसको बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े पी सकते हैं। बच्चे 5 ml करके दो बार पी सकते हैं, बड़े 10 ml करके दो बार पी सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कुछ माइंड मैप के बारे में, सीखा कुछ विजुअलाइजेशन के बारे में सीखा। तो आज इतना ही, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर यदि आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक बार नंबर अपना फिर से बोल देता हूँ, 91 99 89 72 02। तब तक कि आज के लिए इतना ही। जय हिंद।